भारत के विभिन्न तटीय क्षेत्रों में आए फानी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। इस तूफान का असर कई राज्यों में देखने को मिला। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली 2 तस्वीरें ओडिशा के भुवनेश्वर और पारादीप की हैं। यहां पर इस तूफान का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिला। तूफान से कई मकान, पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। वहीं अगली तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दीघा और कोलकाता की हैं। यहां पर भी तेज रफ्तार हवाओं और आंधी तूफान और बारिश ने काफी तबाही मचाई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। 5वीं तस्वीर गुजरात के बड़ोदरा की है। फानी का असर गुजरात में भी देखने को मिला। यहां भी तेज रफ्तार हवाओं और बारिश से लोग परेशान रहे। तो ये 5 तस्वीरें भुवनेश्वर ओडिशा और दूसरी तस्वीर पारादीप ओडिशा की है। तीसरी तस्वीर दीघा पश्चिम बंगाल की है। और अब आपको दिखाते हैं तूफान की सबसे खतरनाक तस्वीरें। तो तूफानी तबाही की 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे क्या कुछ नुकसान हुआ है, ये भी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हवाओं का रुख इतना तेज था कि किस तरह से दरवाजा टूट के गिरा, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और 4थी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से बस पलट गई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, वो साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है। 6थी तस्वीर में आप देख सकते हैं ऊपर, और ये 7वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक टावर लगा था क्रेन का और टावर किस तरह से बिल्डिंग से अलग जा गिरा, ये इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये 8वीं तस्वीर तबाही की, ये 10 तस्वीरें सबसे भयानक तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से तबाही मचाई है तूफान ने। साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से इस बात का आकलन किया जा सकता है रोड पर किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं तूफानी तबाही की ये 10 तस्वीरें हैं जो तमाम तरह के आकलन लगाए जा रहे थे हवा के तीव्रता को लेकर, वो यहाँ साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं।